Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कनाडा के 2019 के इंतखाबात में गैर कनेडियन के वोट डाले जाने का इंकशाफ 3500 के करीब अफराद ने गैर कानूनी तरीके से वोट डाले। कोरोना वायरस के सबब ऑन्टेरियो के ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई, हुकूमत से इमदाद का मुतालबा कर दिया। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, चीन में कैद कनेडियन शहरियों से मुतालिक गुफ्तगू, कनाडा ने अमरीका की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 178,117 हो गई। अफगान तालिबान भी सदर ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में तालिबान रहनुमा का कहना था कि ट्रंप जीत जाएंगे और अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी फौजियों को भी निकाल लेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,78,6671 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 10,67,469 हो गईं। वाशिंगटन, कोरोना से सेहतयाब हो चुका है, दूसरों को मुझसे इन्फेक्शन का खतरा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सदारती रेस के लिए बड़ी बड़ी रैलियों में शिरकत के लिए मुकम्मल तैयार हूँ। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। इलेक्शन कनाडा की जानिब से कहा गया है कि 2019 के इंतखाबात में तकरीबन 3500 के करीब ऐसे अफराद ने वोट डाले थे जिनकी शहरियत से मुतालिक मुतजाद सबूत सामने आए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इलेक्शन कनाडा की जानिब से कहा गया है कि 2019 के इंतखाबात में तकरीबन 3500 के करीब ऐसे अफराद ने वोट डाले थे जिनकी शहरियत से मुतालिक मुतजाद सबूत सामने आए हैं, लेकिन इंतखाबात के एक साल बाद एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि इस बात का तायुन कर रहे हैं कि ऐसे केसेस की तादाद कितनी है और कितने गैर कैनेडियन ने वोट डाले थे। इलेक्शन कनाडा की दस्तावेजात के मुताबिक गैर मुल्की या मुस्तकिल बाशिंदों ने कनाडा के ऑनर सिस्टम का फायदा उठाते हुए गैर कानूनी वोट कास्ट किए। इलेक्शन कनाडा के मुताबिक उन वोटों की शरह 0.2% है, ताहम इस बात के कोई सबूत सामने नहीं आए कि ये काम बड़े पैमाने पर हुआ है। माहिरीन का कहना है कि गैर कैनेडियन का वोट कास्ट करना हैरत अंगेज बात है। ऑन्टेरियो के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसे कोरोना वायरस के सबब आमदनी में कमी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर होने वाले टूरिज्म इंडस्ट्री को फौरी मदद की जरूरत है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसे कोरोना वायरस के सबब आमदनी में कमी का सामना करना पड़ रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ ऑन्टेरियो के एक नए सर्वे के मुताबिक ट्रैवल, बड़ी तकरीबात और इनडोर डाइनिंग की सरगर्मियों पर इन्हिसार करने वाले कारोबारों के लिए ये सूरत हाल इंतहाई संगीन है। TIAO के सदर का कहना है कि ऑन्टेरियो की टूरिज्म इंडस्ट्री अब खतरे से दो चार है और अगर नए साल तक इस शोबे को बरकरार रखना है तो इसके लिए हुकूमती इमदाद नहायत जरूरी है। सर्वे में बताया गया है कि 2019 के मुकाबले में इस शोबे में कारोबारी मालकान की अक्सरियत औसतन 70% आमदनी का नुकसान बर्दाश्त कर रही है। सर्वे में शामिल दो तिहाई अफराद कारोबारी मालकान ने TIAO को बताया कि अगर ये जैसे उजरत, सब्सिडी और किराए से मुतालिक इमदादी प्रोग्राम जैसा सरकारी तआवुन होता तो वो पहले ही अपने कारोबार बंद कर चुके होते।
कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें कोरोना वायरस और चीन में कैद दो कैनेडियन के मुतालिक बातचीत की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें कोरोना वायरस और चीन में कैद दो कैनेडियन के मुतालिक बातचीत की गई। माइकल कोब्रिग और माइकल स्पेवर 2018 के आखिर से चीन में नजरबंद हैं और जिनको चीन ने जुमे और हफ्ते के रोज गैर मामूली कौंसलर रसाई की इजाजत दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में कनाडा के सफीर डोमिनिक कार्टर को जुमे के रोज माइकल स्पेवर और हफ्ते के रोज साबिक सिफारतकार माइकल कोब्रिग तक वर्चुअल कौंसलर रसाई हासिल हो गई। ट्रूडो ने दोनों शहरियों के मामले में अमरीकी हिमायत पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि कनाडा की हुकूमत को दिसंबर 2018 से इन दोनों कैनेडियन की मनमानी नजरबंदी पर सख्त तशवीश है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करती है। जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर की कोरोना वायरस से सेहतयाबी से मुतालिक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,585 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,78,117 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,585 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 84,094 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,936 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 57,681 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 2,997 है। प्रीमियर डग फोर्ड ने शहरियों से अपील की है कि वो घरों में रहें। उनका कहना था कि इंडोर तकरीबात में 10 अफराद के जमा होने की इजाज़त देना भी खतरनाक होगा। डग फोर्ड की जानिब से ये पैगाम उस वक्त सामने आया जब हुकूमत ने टोरंटो, आटोवा और पील रीजन के कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद की हैं। सूबाई वजीर सेहत क्रिस्टीन एलियट ने एक ट्वीट में बताया कि ऑन्टेरियो में इतवार के रोज 649 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें सबसे ज्यादा पील रीजन में 157, टोरंटो में 140, यॉर्क रीजन में 87 और आटोवा में 54 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अल्बर्टा में 19,995 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 282 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 10,185 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 245 है। अफगान तालिबान भी सदर ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन ख्यालात का इजहार अमरीकी टीवी से बातचीत करते हुए किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान तालिबान भी सदर ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन ख्यालात का इजहार अमरीकी टीवी से बातचीत करते हुए किया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में तालिबान तर्जुमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात जीत जाएंगे और अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी फौजियों को भी निकाल लेंगे। एक दूसरे तालिबान लीडर का मीडिया से गुफ्तगु करते हुए कहना था कि जब उन्होंने ट्रंप को कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बारे में सुना तो वो उनकी सेहत के बारे में परेशान हो गए थे। वाज़ह है कि सदर ट्रंप ने चंद रोज कबल तमाम अमरीकी फौजियों को क्रिसमस तक अफगानिस्तान से अमरीका वापस बुलवाने से मुतालिक बयान दिया था। दरअसल ये तालिबान का देरीना मुतालबा है, जो ट्रंप को भी अमरीकी दाखिली सियासत के सबब अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाना पड़ा है। तालिबान ने सदर ट्रंप के इस बयान को खुशाइंद और अफगान अमन मुहिदे की कामयाबी से मुतालिक अहम पेशरफ करार दिया था। याद रहे कि अमरीका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसके 22 लाखों अफगान शहरी जाबहक और जख्मी हो चुके हैं। ईरान में कोरोना से अमवात का नया रिकॉर्ड बन गया। एक रोज में 251 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। ईरान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5 लाख से बढ़ गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,78,06,671 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 10,67,469 हो गईं।
ईरान में कोरोना से अमवात का नया रिकॉर्ड बन गया। एक रोज में 251 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। ईरान में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 5 लाख से बढ़ गई। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 219,706 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 79,92,289 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 109,209 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा मरीजों की तादाद 71,22,862 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहां ये वायरस 150,506 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 50,94,979 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 22,722 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 13,12,310 हो चुकी है। फहरिस्त में 10वें नंबर पर मौजूद साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमुई अमवात 17,780 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 6,92,471 रिपोर्ट हुए हैं। फहरिस्त में सऊदी अरब 19वें नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,043 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,39,267 तक जा पहुंची है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं, दूसरों को मुझसे इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं, सदाती रेस के लिए बड़ी बड़ी रैलियों में शिरकत करूंगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं, दूसरों को मुझसे इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं, सदारती रेस के लिए बड़ी बड़ी रैलियों में शिरकत करूंगा। डॉक्टर फाउची ने कहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से सदर ट्रंप का इंतखाबी मुहिम में एडिट किया हुआ एक पैगाम भी गुमराह कुन हो सकता है। अमरीकी सदर सदारती इलेक्शन मुहिम के लिए तैयार है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो कोविड-19 से पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं, कोरोना के खिलाफ उनमें कुव्वत मदाफत पैदा हो गई है। ट्रंप का मजीद कहना था कि वो सदारती रेस के लिए बड़ी बड़ी रैलियों में शिरकत करेंगे। मारूफ तिब्बी माहिर डॉक्टर फाउची ने कहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से सदर ट्रंप का इंतखाबी मुहिम में एडिट किया हुआ एक पैगाम भी गुमराह कुन हो सकता है। अमरीकी सदर के मौलिज डॉक्टर शान कोनले का कहना था कि उनसे वायरस दूसरों तक फैलने का खदशा खत्म हो गया है, तहम डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मनफी या मुस्बत आया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।